आपका सवाल बहुत सही है एक्चुअली, क्योंकि मैं आमतौर पर जो मेरी प्रोडक्शन हाउस है या जो मेरी फिल्में हैं वो पारिवारिक होती हैं, सोशल कोई मैसेज होता है या फैमिली ऑडियंस फिल्में होती हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हमने एक फिल्म बनाई है जो बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जो जो भाषा है काफ़ी अश्लील है, और तो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है ये फिल्म। एडल्ट्स सर्टिफिकेट है इसका, हमने एडल्ट्स के लिए अप्लाई भी किया था, हमें एडल्ट्स ही मिला है, और ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है लेकिन शायद उन लोग के लिए जो जिन्हें अश्लील भाषा से तकलीफ है उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि ये इट्स अ फिल्म विच इज़ अ वेरी इररेवरेंट फिल्म, इट्स एम्ड एट द यूथ, जो हमारा यूथ है। मुझे बड़ी पसंद आती है, हालांकि मैं अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन ये फिल्म में जब मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। और इसकी कहानी ऐसे है कि एक्चुअली मैं बहुत सारी स्क्रिप्टें आती हैं मेरे पास, तो अक्षत जो है वो कई महीनों से मुझे कोशिश कर रहे थे कि स्क्रिप्ट वो मुझे दें, स्क्रिप्ट दें मैं पढ़ूँ, मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। एलए से ख़ास आए थे बम्बई, तो मैं मसरूफ़ था किसी फिल्म की शूटिंग में, मिल नहीं पाया मैं, तो उन्होंने जो मेरी घर में जो मेड है उनको दे दी मेरी स्क्रिप्ट। वो मेड ने पता नहीं कहाँ रखी, वो अल्टीमेटली मेरे टेबल पे आ गई घूम फिर के, और मैं एक दिन बिजी था इंटरनेट पे, ईमेल कुछ आंसर कर रहा था और किरण ने मेरा इंतज़ार कर रही थी किरण, तो इंतज़ार करते करते उन्होंने जो पहली स्क्रिप्ट थी उठाई, वो फाइल में करीबन 100-200 स्क्रिप्ट पड़ी थी, उन्होंने पहली स्क्रिप्ट उठाई और पढ़ना शुरू किया, और फिर मैंने देखा कि वो हंसना शुरू किया, उन्होंने हंस रही थी, उनकी हंसी बढ़ती गई, फिर वो लोटपोट हो गई, गिरने लगी फ्रॉम द सोफा एंड शी वाज लाफिंग, इतनी हंस रही थी कि मुझे लगा यार ये क्या पढ़ रही है, तो मैंने पूछा व्हाट आर यू रीडिंग, तो शी सेड ये स्क्रिप्ट बहुत ही फनी है, इसका नाम डेली बेली है, आप ज़रूर इसको पढ़िए। तो मैंने फ़ौरन, मतलब जहाँ हम लोग कहीं बाहर जाने वाले थे रात को, तो वो भी कैंसिल हो गया, किरण ने वो स्क्रिप्ट छोड़ी नहीं, 90 मिनट में स्क्रिप्ट पढ़ी उन्होंने, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी फ़ौरन, पढ़ने के इमीडिएटली बाद मैंने फर्स्ट पेज पे जो नंबर था, जिम और अक्षत, जिम इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन द फिल्म, उनको मैंने फ़ोन किया, वो एलए पहुंचे ही थे बम्बई से लौट कर, मैंने कहा मैंने आपकी स्क्रिप्ट अभी पढ़ी है तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, तो फ़ौरन फ्लाइट पकड़ के दोबारा वापस आए और फिर हम लोग ने बैठ के बातचीत की और हमने ये फिल्म मतलब की शुरुआत हुई वहाँ से इसकी फिल्म की शुरुआत हुई। तो ये इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही फनी है, इट्स वेरी इररेवरेंट, जरूर इसमें अश्लील भाषा है लेकिन एक उसमें ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक मज़ा है, एक इट्स नॉट टू बी टेकन टू सीरियसली, बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, और ज़्यादा जो ज़यीफ़ लोग हैं या ज़यीफ़ नहीं कहना चाहिए, जो यंग एट हार्ट, इट इज़ फॉर द यंग एट हार्ट, एज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।